इसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले आपके साथ भेदभाव होता था, बिजली नहीं मिलती थी, सुरक्षा का वातावरण अत्यंत भयावह था, अराजकता थी, फिरौती मांगी जाती थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, विकास की परियोजनाओं में लूट खसोट थी। आज तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी आपके बगल में मेरठ में बनने जा रही है, विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स की सुविधाओं से युक्त विश्वविद्यालय हम लोग देने जा रहे हैं, और इस सुविधा का लाभ जब न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बल्कि उत्तर प्रदेश की खेल के क्षेत्र में अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले प्रत्येक युवा के लिए ये एक अवसर होगा, और उस अवसर के साथ आज हम आपको जोड़ने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आज जिन विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है, ये स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है, ये शिक्षा से भी जुड़ी हुई है, ये बुनियादी सुविधाओं से भी जुड़ी हुई सड़क है, बिजली है, पेयजल की स्कीम है, ग्राम सचिवालयों को और सुदृढ़ करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा हो, या अन्य उन सभी कार्यों के लिए जो एक आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी, उन सब के साथ जुड़ा हुआ है। ये पहली बार हो रहा है, आपने देखा होगा, कभी नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है जब आपसी संवाद के माध्यम से अनावश्यक शोरगुल को समाप्त करते हुए धर्म स्थलों से माइक उतर जा रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब सड़कों पर न नमाज पढ़ी जा रही है और न ही कोई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जो आवागमन को बाधित कर रहा हो। और इसलिए भाइयों बहनों, जब मैं आप हापुड़ में आया हूं तो हापुड़ के पापड़ की स्वाद बनी रहे इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। नशा के खिलाफ एक नई लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, किसी भी प्रकार के नशा के खिलाफ। ये नशा किसी भी प्रकार का अवैध मादक द्रव्य या फिर कोई भी ऐसा ड्रग हो जो युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हो, एक राष्ट्रीय अपराध है। युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना एक राष्ट्रीय अपराध है, जहां इस युवा को इस उम्र में नौकरी और रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, इसके लिए सरकार, केंद्र और राज्य सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। डबल इंजन की सरकार अनेक योजनाओं के साथ आ रही है, खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हर गांव में खेल का मैदान बनाने का हो, स्टेडियम निर्माण का हो, जहां इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान हर जनपद में खुले, इस दिशा में सरकार के प्रयास है। तकनीकी उन्नयन के लिए भी अत्याधुनिक संस्थान बनाने की कार्रवाई हो रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो सरकार ने यह भी तय किया है, हम लोग प्रदेश के अंदर हर परिवार की मैपिंग करने जा रहे हैं, और हर परिवार के सर्वे के बाद जिन परिवारों को नौकरी नहीं मिली, जिन परिवारों को कोई रोजगार नहीं मिला, स्वतः रोजगार नहीं मिला, आगामी 5 वर्ष के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी अथवा रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई के साथ सरकार व्यापक कार्य योजना लेकर के आने जा रही है, और उस कार्य योजना के साथ आपको जोड़ने के लिए मैं आया हूं। विगत 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष कोरोना प्रबंधन में हमारे व्यतीत हुए, लेकिन इस सबके बावजूद 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार और 60,00,000 परंपरागत उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का एक अवसर हमें पिछले 5 वर्ष के अंदर प्राप्त हुआ। पहली बार हुआ जब धर्म स्थलों के उन्नयन और उनके आधुनिकीकरण और सुंदरीकरण की बृहद कार्य योजना भी हम लोगों ने ली, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के
इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया। हर विधानसभा क्षेत्र में कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई पौराणिक स्थल, उसके सुंदरीकरण की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। यह हापुड़ जनपद का सौभाग्य है, माँ गंगा का आशीर्वाद इसे प्राप्त होता है और गढ़ तो यहाँ का पौराणिक तीर्थ है, पौराणिक तीर्थ, और उसके पुनरुद्धार की कार्रवाई के लिए सरकार सतत रूप से प्रयत्नशील है। उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी के साथ कार्य कर रहे हैं। उसको पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए, उसके सुंदरीकरण की कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य हो रहा है, और इसीलिए इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक है हम निशा पर प्रहार करें। और नशा पर प्रहार करने के लिए मैं अभी आपका आह्वान करूंगा, हर थाना, हर सर्किल, हर उप जिलाधिकारी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी बनाते हुए जवाबदेही के साथ वह सुनिश्चित करेगा कि अवैध नशा के कारोबार में लिप्त तत्वों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है।